हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आज सुबह सुपोर्ट गई हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आज घी बनाया जाए, क्योंकि 2 हफ्ते की मलाई जुड़ गई थी। तो मैंने इसे एक बड़े से वेसल में भगोने में ऐड कर दिया है और मैंने गैस की फ्लेम को हाई रख करके मलाई को इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और एक तरफ यहाँ पर जो है चावल बन रहे हैं और इब्राहिम को भूख लगी तो भाई इब्राहिम के लिए मैगी बनने लगी। और मैंने यहाँ पर बनाया सिंपल सा लंच, बहुत ही अच्छा वाला। इसमें मैंने हेल्दी सैलड बनाई थी और अंडे आलू की सब्जी और चावलों के साथ मैंने सर्व की थी। इसके बाद हमारा घी जो है बन गया है। घी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम इसे बनने में 10 मिनट लगते हैं हाई फ्लेम पर। मैं इसे ऐसी मलाई को इसमें डाल देती हूँ भगोने में और हाई फ्लेम पे इसे पकाती हूँ। और मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालती, बहुत से लोग थोड़ा सा नमक डालते हैं या फिर आटा डालते हैं घी को बहुत अच्छा बनाने के लिए, लेकिन मैं डायरेक्ट मलाई से घी निकालती हूँ, कुछ भी उसमें ऐड नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा घी जम के तैयार होता है, एकदम हरा हरा सा घी बन के तैयार होता है, बहुत अच्छा होता है। और मैं यहाँ पे इसकी चाय की छन्नी से, चाय की छन्नी को अच्छे से वॉश करने के बाद में, सुखाने के बाद में, मैं यहाँ पर घी को छान रही हूँ। ये 2 हफ्ते की मलाई का घी है जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद जिस डिब्बे में घी को हम रखते हैं उसी डिब्बे में हम स्टोर करके रख देंगे, फिर आराम से आप कितने भी दिन खा सकते हैं। 6 महीने से लेकर साल भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से ये ख़राब नहीं होगा और घर पे आसानी से आप बना सकते हैं। बाहर का जितना भी आप किसी भी क्वालिटी, किसी भी वैरायटी का देसी घी यूज़ करेंगे, उतनी अच्छी प्योरिटी नहीं आने वाली। जो आप घर पे बना के खाएंगे उसकी प्योरिटी आएगी। तो मैंने सोचा कि भाई व्लॉग वगैरह तो मैं बना ही रही हूँ, क्यों ना कुछ आपको हेल्दी टिप्स भी देती रहूँ। तो देखिए, मैंने इतना सारा घी जो है घर पर बनाया सिर्फ 2 हफ्ते की मलाई से। और कई बार तो हम जो मलाई है वो घर में ही मतलब खा जाते हैं पापे वापे के साथ, ब्रेड व्रेड के साथ में, वरना तो डबल घी बनता है अगर हम एक एक हर दिन की मलाई जोड़ें तो। देखिए देसी घी बन गया है। ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक डिब्बे में रख दिया है और मैं इसे एक साइड रख दूँगी। इसके बाद आप रोटी के साथ, चावल के साथ कैसे भी खा सकते हैं। ये मैंने रात में बनाया था। मैं सुबह सुबह जब उठी हूँ तो मैंने देखा कि अम्मी सफाई कर रही थी घर की और भाई सब फिजाइया सब सो रहे हैं, तो मैं जल्दी से ब्रश व्रश कर लिया, एकदम फ्रेश हो गई मैं। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अम्मी ने चने की खिचड़ी बनाई है। चने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और अम्मी ने वैसे भी चने में जब किले निकल जाते हैं, स्पाउट आ जाते हैं, तब उसके बाद जो खिचड़ी बनती है तो और भी हेल्दी होती है। इसके बाद 2 आम रखे थे तो भाई मेरा बहुत दिन से आम खाने का मन कर रहा है। वैसे भी सीज़न जाने वाला है तो कल पापा आम लाए थे तो भाई 2 आम फ्रिज में रखे थे, मैंने कट कर ले रही हूँ और इसे खाऊँगी मैं। सच में मुझे आम बहुत ज़्यादा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम मैंने कट कर लिए और अब मैं आपको खाऊंगी। वैसे तो यही तरीका है मेरे आम खाने का। वैसे तो आप बहुत तरीके से आम खा सकते हो, जैसे कि आप आम का जूस बना के खा सकते हो या फिर बिल्कुल छिलके निकाल के इसके छोटे छोटे पीस में से कट करके स्पून की हेल्प से खा सकते हो, वो भी एक तरीका है। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना सिंपल तरीका है, ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, आराम से जल्दी से आम खा भी लूँगी। तो भाई आम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी कभी डेली बेसिस पे मैं कभी नहीं खाती और कभी कभी तो यार चलता ही है। तो चलिए आम वाम हमने खा लिया, हम कुछ छत पे जाके देखते हैं। मैं अम्मी को ढूंढ रही थी, अम्मी मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी और हमारा बिल्लू नहीं भी नहीं मिल रहा है, तो मैं दोनों को ही ढूंढ रही थी। अम्मी कुछ कपड़े वपड़े धो रही थी शायद, तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ सबको, कहाँ चले गए सब। छत पर आई तो भाई देखा इतनी अच्छी हवा चल रही थी, पेड़ एकदम हिले जा रहे थे भाई हवा से, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है छत पर। लेकिन बहुत तेज़ धूप भी थी। तो ये हमारे यहाँ कल बेड आए हुए हैं, नए बेड आए थे कल, और ये अम्मी छत पे थी सबसे ऊपर वाली छत पे। तो ये कुछ चिड़ियों को चावल डालती हैं और चिड़ियों के लिए पानी रखती हैं ये छत पे, तो ये मेरी अम्मी डेली करती हैं। ये सबको करना चाहिए भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम होता है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ, हमारे घर कल 2 आए थे बेड, एकदम नए नए बेड हैं ये, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिए गए हैं ये, बाकी नीचे वाले फ्लोर पर ऑलरेडी बेड थे। मैंने आपको पहले व्लॉग दिखाया था तो ये कमरा बिल्कुल खाली था, इसमें बेड नहीं थे, तो भाई इसमें आज बेड वगैरह आ गए हैं। और नेक्स्ट रूम में भी सेम ऐसे ही बेड डला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए इसे लॉक कर देती हूँ और मैं इस वाले रूम का बेड भी आपको दिखाती हूँ, सेम है ये। यहाँ पर बेड दिखाने के चक्कर मैं लाइट ऑन कर दी थी, लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ बिल्लूनी। बाहर से बिल्लूनी की आवाज़ आ रही थी और मैं दिखाती हूँ कि बिल्लूनी का घर कौन सा है। बिल्लू ने अपना घर खुद ही बना लिया भाई, इतनी तो। और यहाँ पर ये जो प्लांट लगे हुए हैं ये वो वाले प्लांट हैं जिन्हें आप धूप में नहीं रख सकते, यानी छाए वाले प्लांट हैं।
इसके पास छोटा सा प्यारा सा घर था बिल्लूनी का, इसमें वो रहता है और ये बहुत सोता है। तो इसे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था। ये ऐसे ही करता है जब इसे भूख लगती है, तो बहुत ही म्याऊं म्याऊं करता है। देखिए ऐसे करता है, बहुत ही प्यारा है ये। इसका नाम हमने रखा है बिल्लूनी। ये जो है पूरा 1.5 साल का हो गया जब हमारे घर आया था। ये 3 महीने का था और जब ये स्टार्टिंग में आया था तो मुझे इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं था, क्योंकि एकदम काला बिल्ला है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था काला बिल्ला। मैं सोच रही थी गोरा बिल्ला आएगा। स्टार्टिंग बिल्कुल भी प्यार नहीं था और धीरे धीरे करके इससे इतना प्यार हो गया कि बस तो बता ही नहीं सकते। ये तो हमारी फैमिली का एक मेम्बर बन चुका है। तो ये अब इस तरीके से छुप के बैठ गया, अभी निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये सोच रहा है कहीं मुझे नहला ना दे। नहाने से ये बहुत ज़्यादा डरता है, तो भाई मैंने सोचा इसे बैठे रहने दो। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे काम देखती हूँ क्या काम करना है मुझे नीचे का। पापा ने बहुत सारी बेल लगा रखी है, अंगूर वगैरह की बेल भी लगाई हुई है यहाँ पे। तो ये है छत घर के बाहर का सीन, बिल्कुल सूमसाम पड़ा है धूप की वजह से। और अम्मी ने ऊपर का सारा काम निपटा लिया है, तो नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, मैं जा रही हूँ छत पे। एकदम शाम का टाइम हो गया, एकदम नहा धो के फ्रेश होके मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाया जाए चाय वाय पीने के बाद में। ये पहना आज मैंने अपने कॉटन का सूट, इतना अच्छा प्लाजो वाला सूट है ये, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और प्लाजो के साथ तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा लगता है। और मैं आ गई हूँ छत पे, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है यहाँ का, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पे गिलहरी देखिए कितने अच्छे से खेल रही है और फाख्ता वगैरह भी यहाँ पर है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं भी अपना लुक भी दिखा देती हूँ। तो मैं हमेशा सबसे ऊपर वाली छत पे आके बैठती हूँ, वैसे अकेली आई हूँ वरना तो कोई ना कोई मेरे साथ में रहता ही है, क्योंकि अम्मी नीचे खाना बना रही थी तो मैं आ गई हूँ अकेले। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए के साथ में, कुछ नया दिखाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।